पिक है ट्रांसड्यूसर्स। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे है ये देखेंगे। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू अ प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। यानी कि एक ऐसी युक्ति जो किसी भी फिजिकल सिग्नल को, किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि को उसके बराबर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस्ड मे बी वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा उस भौतिक राशि द्वारा, उसे हम वोल्टेज में, करंट में या फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में से किसी में भी हम उसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सबसे आसान एग्जांपल जो ट्रांसड्यूसर का है वो है माइक, जो हम माइक में बोलते हैं। देखिए, हम जब मुंह से बोलते हैं तो क्या हमारे मुंह से निकलता है, हमारे मुंह से साउंड निकलती है, साउंड वेव। वो एक तरीके से एक भौतिक राशि है, ठीक है। अब अगर उस भौतिक राशि को, उस साउंड वेव को मुझे दूर कहीं पे सुनना है, फोन के हेल्प से, टेलीफोन के हेल्प से या मोबाइल के हेल्प से आप जब बात करते हैं तो दूर कहीं हम उससे टेली कम्युनिकेशन हम उससे करना होता है, तो ये साउंड वेव इतनी पावरफुल होती नहीं है कि ये एक डिस्टेंस से किसी सर्टेन लास्ट डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर जाए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं हमें उसके लिए, उसको चेंज करना पड़ता है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो जब हम उसे माइक्रोफोन में बोलते हैं तो माइक्रोफोन हमारा क्या करता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। तो माइक्रोफोन भी हमारा क्या हुआ, एक तरीके से फिर एक ट्रांसड्यूसर हुआ। तो ट्रांसड्यूसर मैंने आपको बताया एक ऐसी युक्ति जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। अ ट्रांसड्यूसर यूज मैनी इफेक्ट टू प्रोड्यूस सच कन्वर्जन। ट्रांसड्यूसर को हम इस तरीके, इस कन्वर्जन के लिए, इस राशि परिवर्तन के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसड्यूसर के साथ, ठीक है। और ये मैंने आपको ट्रांसड्यूसर का सिग्नल दिखाया है कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे दी है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, ठीक है, फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, साउंड हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सेंसिंग एलिमेंट यहाँ पे लगा है। सेंसिंग एलिमेंट क्या है, बेसिकली सेंसर है। ये सेंसर यहाँ पे उसको सेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद सेंसर रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स मतलब सेंसर अपना आउटपुट देगा, और फिर वो जो भी आपका आउटपुट आएगा उसे ट्रांसडक्शन एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी और इट्स रेट ऑफ चेंज इज सेंस बाय रिस्पॉन्डेड टू बाय दिस पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसड्यूसर सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर का ये एलिमेंट है, सेंसिंग एलिमेंट, ये बेसिकली सेंसर होता है जो बाहर से आने वाली जो क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज, किस रेट से वो चेंज हो रही है, किस रेट से वो बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, उसको वो सेंस करता है, ठीक है। ये काम होता है किसका, सेंसिंग एलिमेंट का। ट्रांसडक्शन एलिमेंट का काम क्या होता है, जो भी सेंसिंग एलिमेंट सेंस करके देता है उसको क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है उसके प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। द आउटपुट ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इज पास्ट ऑन द ट्रांसडक्शन एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटू इट्स प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो नॉन इलेक्ट्रिकल होगा, सेंसर सिर्फ सेंस करके उसे कन्वर्ट कर देगा उसके इक्वलेंट फिजिकल सिग्नल में, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा, वो उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा एक ट्रांसड्यूसर हुआ, और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया ट्रांसड्यूसर का, सिंपल एग्जाम्पल है, माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन जो है हमारा, वो बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर में हमारे पास चार तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एंड पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में हमारे पास रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज क्या होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज होता है इस जिसमें द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलोंगेशन और कंप्रेशन इज नोन बाय द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज कि जिसके अक्रॉस अगर हम प्रेशर, जिसको हम प्रेशर देते हैं या हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है। और उसके चेंज इन रेजिस्टेंस से, चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं,
हम उसके चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ट्रांसड्यूसर्स। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके के ट्रांसड्यूसर है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, जिसमें कि हम इंडक्टेंस में चेंज करके, कॉइल की इंडक्टेंस में चेंज करके हम फिजिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पहला मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसड्यूसर, इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑपरेशन है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एसी एक्साइटेड कॉइल इज वेरीड बाय चेंज इन मैग्नेटिक सर्किट। यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में हम चेंज करेंगे जिससे कि क्या होगा, कॉइल का सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा, और उसके चेंज होने से जो भी वेरिएशन आएगा आउटपुट में उसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने मैग्नेटिक सर्किट की चेंजेस के लिए, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की है, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हमने जो भी अप्लाई किया है उसके लिए हम उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसड्यूसर बेसिकली हम प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। रिलक्टेंस पिकअप, रिलक्टेंस पिकअप में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस चेंज करते हैं जिससे कि हमें आउटपुट पे जो चेंजेस मिले वो हमें प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन या पोजीशन के इक्विवेलेंट मिलते हैं। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में हम प्रेशर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। एडी करंट गेज, एडी करंट गेज से भी हम क्या करते हैं, एडी करंट चेंज करते हैं, ठीक है, और जिससे हम डिस्प्लेसमेंट एंड थिकनेस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें कैपेसिटेंस को चेंज करना होता है। तो कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए हमारे पास ये पहला है वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। इसमें हम क्या करते हैं, प्लेट्स की डिस्टेंस को बढ़ा के या घटा के हम कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं और हम इससे क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट। हम प्लेट्स के ऊपर प्रेशर या प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट करके हम जो भी उसमें कैपेसिटेंस में चेंज आएंगे और उसके क्रॉस जो कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो चेंज आएंगे हम उसको चेंज कर, उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम उसके अकॉर्डिंग रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर लेंगे। कैपेसिटर माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन भी हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन है, ट्रांसड्यूसर है, जिससे हम स्पीच, म्यूजिक और नॉइस इनके लिए हम इसको यूज करते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक गेज, डाइलेक्ट्रिक गेज में हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो होता है दोनों प्लेट्स के बीच में उसको हम वेरी करके या चेंज करके, हम उसको वेरिएशन लाके हम क्या करते हैं, उससे हम लिक्विड का लेवल चेंज मेजर कर सकते हैं। लिक्विड का लेवल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर थिकनेस, किसी चीज की थिकनेस वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे भी हम मेजर कर सकते हैं कन्वर्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में हमारे जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो क्रिस्टल माइक्रोफोन और क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है, बेसिकली आपने ये क्वेश्चन देखी होगी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें R रेजिस्टेंस होता है ओम में, ठीक है, रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है जिसके रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, और ए क्या होता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। तो अब इस रिलेशन से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम रेजिस्टेंस, हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर में, हम किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस चेंज करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में रीड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो सकता है, या तो उसकी लेंथ में चेंजेस आए, या तो जो भी हम मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं, या तो उसकी लेंथ में चेंज आए, या उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आए, या फिर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आए, ठीक है। अगर हम इन चार पैरामीटर, तीन पैरामीटर्स में चेंज करते हैं रो, एल और ए में, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस चेंज होने से जो कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज आता है हम उस क्वांटिटी को कैलिब्रेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की है इनपुट पे सेंसर के, हम उसको हम उसके टर्म्स में कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स वर्क करते हैं। सबसे पहला होता है इसमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसे कि आपने फिजिक्स लैब में पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक उस तरीके से होता है। ये देखिए आप, इसमें क्या है, आप देखेंगे ये है पॉट, बेसिकली ये है, ये एक रेजिस्टेंस की स्ट्रिप है, ये रेजिस्टेंस की तरह आप देखें बना हुआ है, ठीक है। ये दो टर्मिनल है जहां से हमें आउटपुट उठानी है, ये पूरा स्ट्रक्चर पॉट का है। ये वाइपर है, ये वाइपर रोटेट करेगा इस तरीके से, ठीक है, ये वाइपर इस तरीके से ऐसे राउंड राउंड रोटेट करता है। करंट हम, वोल्टेज हम इन दो टर्मिनल के बीच में अप्लाई करते हैं, ये जो टर्मिनल है 1 2 3,
इंटरनल के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इन्हीं से दो टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अब इसका आगे हम डिटेल डायग्राम देखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ये आपका थ्रेडेड ड्रम, थ्रेडेड ड्रम क्या करता है, ये रोटेशन, इससे हम रोटेशन करते हैं लीनियर मोशन में, हम इसको रोटेट कराते हैं। जो भी हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक शाफ्ट के ऊपर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा शाफ्ट के ऊपर है ये पूरा, जिसपे हमारा थ्रेडेड ड्रम है। थ्रेडेड ड्रम के थ्रू हम इसे एक लीनियर मोशन प्रोवाइड करते हैं जब ये वाइपर हमारा रोटेट करता है, तभी हमारा ये वाइपर क्या करता है, ये रोटेट करता है। जैसे जैसे वाइपर रोटेट करेगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई की, ये पूरी की पूरी जो इनपुट वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली वाइपर है, रोटेटिंग वाइपर, ठीक है। ये रोटेटिंग वाइपर जितना ऊपर या नीचे होगा उतनी ही कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी, ठीक है। ये इसका दूसरे तरीके से हमने इसको समझाया है। ये हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है ये दो टर्मिनल के बीच में, और ये पूरी इनपुट वोल्टेज इस पूरे रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के अक्रॉस इक्वली स्प्रेड हो गई है। अब इस वाइपर को हम जितना ऊपर नीचे रोटेट करेंगे उसी पॉइंट से क्या होगा, ये पॉजिटिव करंट यहां से फ्लो होगा, ठीक है, और इससे पास होता हुआ यहां से इधर आ जाएगा, और इन दो पॉइंट के बीच में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं इसको, इस वाइपर को अगर मैं यहां पे लगा दूं, इस पॉइंट पे लगा दूं, तो क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहां पर आ जाए तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें आउटपुट पे, रेजिस्टेंस आउटपुट टर्मिनल के बीच में होगा, और अगर मैं इसको यहां लगा दूं, अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं तो क्या होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस यहां पे मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइप का ट्रांसड्यूसर है वो वर्क करता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, अ पोटेंशियोमीटर इज अ रेजिस्टिव सेंसर यूज टू मेजर लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स एज वेल एज द रोटेटरी मोशन। यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रोटेटरी मोशन का मेजरमेंट हम पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर से कर सकते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव वाइपर स्लाइड्स अक्रॉस अ फिक्स रेजिस्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है, वाइपर स्लाइड्स होती हैं जो कि एक फिक्स रेजिस्टेंस रेजिस्टिव एलिमेंट के ऊपर हमने लगाई हुई होती है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टिव एलिमेंट, जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है रेजिस्टिव एलिमेंट में उसके अक्रॉस हमने क्या लगाया, वाइपर स्लाइड्स लगाई हुई है। दस अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज फॉर्म, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज अलग होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वोल्टेज अलग होगी, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाता है, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज मेजर्ड इज शोन इन द फिगर, जो भी फिगर हम पीछे बनाई थी उसमें हमने दिखाया है कि आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद होता है हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी। आरटीडी बेसिकली हम यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या होता है, ये है आपका थर्मोवेल, ठीक है। थर्मोवेल में क्या होता है, थर्मोवेल में हम लोग अप्लाई करते हैं, जो भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है वहां पे हम उसे हम थर्मोवेल के क्रॉस रखते हैं, ठीक है। थर्मोवेल में हमारा क्या होता है, आरटीडी सेंसिंग एलिमेंट, यहाँ पे हमारा सेंसिंग एलिमेंट यानी कि यहाँ पे हमारा सेंसर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी लीड्स हैं, सेंसिंग एलिमेंट के थ्रू जो लीड्स जा रही हैं, ठीक है। ये प्रोब को बचाने के लिए ऊपर का कवर है, ये जो दिखा हुआ है प्रोब शेप आरटीडी, ठीक है। ये माउंटिंग के लिए हमारी फिटिंग्स हैं, ठीक है। ये आरटीडी लेड सील है, यानी कि यहाँ पे लेड सील लगी हुई है, और ये हमारी दोनों टर्मिनल ब्लॉक है जहां पे हमारा प्रोब आया है। ये कनेक्शन हेड है जो हम वेल के अंदर कनेक्शन करेंगे, इसको वो हमारा हेड है, तो ये हमारा आरटीडी है। देखिए क्या होता है, थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होता है हमारा वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर भी कहलाता है, और ये एक सेंसर होता है बेसिकली किस चीज के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। मेनी आरटीडी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ फाइन वैप्ड अराउंड फाइन वायर वैप्ड अराउंड सिरेमिक और ग्लास कोर, बट अदर कंस्ट्रक्शंस आर ऑल्सो यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिरेमिक या ग्लास कोर के को हम एक वायर के ऊपर हम हैं और हम इसको हैं और हम इसको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। जो बेसिकली जो मटेरियल होता है वो हम प्लेटिनम निकल और कॉपर का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी किस पे वर्क करता है, चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा जो हमारी सेंसर है वो सेंस करेगा, और जो वायर होगा, जो हमारा जो भी वायर है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और उस टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होगा, सॉरी वो जो टेम्परेचर चेंज होने से जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसको हम कैलिब्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ अ मेटल वायर वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो थर्मोमीटर होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हमारा, वो किस फैक्ट पे, किस बात पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी
जो टेम्परेचर होता है कहीं भी हमें जो मेजर करना है, वो अगर हम कहीं वहां पे एक वायर इंट्रोड्यूस कर दें, कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, उस टेम्परेचर के चेंज होने से वो रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज होता है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारे होते हैं, वो होते हैं प्लेटिनम, निकल होती है, लीड और सेंसिंग एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए आउटर शीट होती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये माउंटिंग थ्रेड है, थ्रेड यानी कि जो हमारी चूड़ियां होती है जिससे हम टाइट करते हैं उसे, ठीक है। ये हमारी लीड्स हैं, जो हमारी लीड्स बाहर जाएंगी, ठीक है, जो हमें आउटपुट देंगी, यही लीड्स हैं, ये दोनों इधर हमने शो की हैं। ये हमारा सेंसिंग एलिमेंट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस हमने दिखाया है ये हमारी लीड का रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये यहीं पे जो हमारा बैलेंसिंग होगी ब्रिज की बैलेंसिंग से ये हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है, कितना रेजिस्टेंस हमें हमें यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने से ऑप्टेन हो रहा है, और वो हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैलिब्रेट होके इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हमें आउटपुट पे मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे भी हम। तो ये होता है हमारा, इट इज अ बेसिकली इट इज अ थर्मल रजिस्टर, यानी कि जो रेजिस्टेंस, इस तरीके के रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर चेंज होने पे, जो डिपेंडेंट होते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने पे ही उनका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मल रजिस्टर्स। तो उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, हमारा थर्मिस्टर बनता है, ठीक है। तो जो रजिस्टेंस थर्मोमीटर हमारा था RTD, उसका जो टेम्परेचर कॉफिशियंट था बेसिकली वो पॉजिटिव था, यानी कि उसमें क्या होता था, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता था तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता था। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का होता है वो इसका उल्टा होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब हमारे थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है, इसका जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है, ठीक है। और ये बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट है जो कि छोटे से छोटे टेम्परेचर चेंज को भी डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे डिफरेंट टाइप हैं, ये हमारा है डिस्क टाइप, इसे हम बोलते हैं डिस्क टाइप, ये इसकी लीड है और ये इसका सेंसिंग एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा प्रोब टाइप है, ठीक है, ये हमारा प्रोब टाइप है, ठीक है, ये हमारा रॉड टाइप है, ठीक है, ये है बीड टाइप और ये है वॉशर टाइप। तो ये हमारे इस तरीके के सारे थर्मिस्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स आर वेल सुटेड फॉर प्रिसीजन टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि जहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन से टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो, बहुत ज्यादा हमें एक्यूरेसी की हमें रिक्वायरमेंट हो, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल में हम इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर कंपनसेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें जो होता है जो रेजिस्टेंस चेंज होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इन द टेम्परेचर रेंज जो उसका होता है, वो होता है -1000 डिग्री से लेके +2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये थर्मिस्टर है वो हम यूज करते हैं, बेसिकली हम इसको ब्रिज में ही यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज कैरिड आउट विद अ व्हीट स्टोन ब्रिज, एक व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर हम लगा के इसे, जैसे हमने RTD को देखा था ठीक उस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन गेज बेसिकली हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड फोर्स, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन गेज है, ठीक है। तो हम इस पे क्या करते हैं, लेटरल फोर्सेज अप्लाई करते हैं, कंपनसेशन कंप्रेशन कॉज ड्यू कॉज रेजिस्टेंस डिक्रीज, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस जो हमारा चेंज होता है उसे हम इन दो पॉइंट के बीच में हम इसे ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है स्ट्रेन गेज का। उसके बाद स्ट्रेन गेज हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें देखेंगे हम, स्ट्रेन गेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। इसकी वाइड एप्लीकेशन है, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क, फोर्स, प्रेशर, एक्सिलरेशन, और भी इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गेज इज वेरी सिंपल, क्या क्या होता है, बिल्कुल मेटेलिक वायर होता है, इसके अंदर जब भी हम मेटेलिक वायर की जब डायमेंशंस को चेंज करते हैं उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और उस रेजिस्टेंस चेंज को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उसे फोर्स, टॉर्क, प्रेशर, एक्सेलरेशन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज, दो तरीके के स्ट्रेन गेज होते हैं, एक अनबॉन्डेड टाइप एक बॉन्डेड टाइप। ये अनबॉन्डेड टाइप देखिए, इसमें एक तो ये बाहर का स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है और एक ये अंदर का स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग है लेकिन ये लीड्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, जब वाला पोर्शन है जिसमें टू और फोर पॉइंट है, इसको हम जैसे ही मोशन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो मोशन होता है, इस मोशन से इसको हम जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन में हम इसको फोर्स देते हैं, तो वो जो फोर्स होती है उस फोर्स से जो हमारा जो ये स्ट्रेन गेज है इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है, और उस चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं जो हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पे हमने इस पे अप्लाई की है। फिर ये दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा बॉन्डेड टाइप है। बॉन्डेड टाइप में सिंपली हमें स्ट्रेन अप्लाई करना होता है पूरे ब्लॉक के ऊपर, ये पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर हमारी ये वायर इस तरीके से लगी हुई है, हमें इसके ऊपर स्ट्रेन अप्लाई करना होता है। ठीक है, स्ट्रेन अप्लाई करने से क्या होता है, हमें इसके ऊपर जैसे वो चेंज होता है और वो रेजिस्टेंस चेंज हम इन दोनों लीड के अक्रॉस हम उसे मेजर कर लेते हैं और वो उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की है। नेक्स्ट टाइप हमारा ट्रांसड्यूसर का है, वो है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप देखिए जैसे कि ये कॉइल है, इस कॉइल में अगर हमने इधर से एक इनपुट अप्लाई किया है और इस साइड हमने आउटपुट लिया है, तो ये जो कॉइल का इनपुट आउटपुट है वो डिपेंडेंट होगा इस कोर के ऊपर। इस कोर को अगर हम रोटेट करेंगे आगे पीछे, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो हमारा वेरी करेगा, आउटपुट हमारा जो है वो हमें क्या मिलेगा, बार बार चेंज होगा। तो हम इस कॉइल का मोशन प्रोवाइड करके इस कोर को हम मोशन प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप यहां समझ सकते हैं, ये कॉइल है, इनपुट कॉइल है और ये आउटपुट कॉइल है, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हैं। तो इनको जो इनका जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कोर की वजह से हो रहा है। अगर इस कोर को मैं मोशन कर दूं, इस तरफ मोशन दूं या इस तरफ मोशन दूं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेसमेंट करूं इसके अंदर, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी पे जो हमारा कनेक्शन है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको लेफ्ट मोशन देता हूं, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करता हूं, तो क्या होगा, जो हमारा ये ES2 है इसके अक्रॉस जो हमारा फ्लक्स लिंक होना था वो कम लिंक होगा। अगर मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट दूं तो ES2 के अक्रॉस हमारा कम फ्लक्स लिंक होगा, इससे हमारा आउटपुट क्या होगा, वो चेंज होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का कि हम क्या करते हैं, फ्लक्स का जो लिंकेज है वो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। ये देखेंगे हम, ये एक हमने बनाया है, एलवीडीटी होता है हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जो हमने पीछे भी देखा, ये हमारा एलवीडीटी होता है बेसिकली लीनियर। इसमें जो मोशन है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिफरेंशियल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर यानी कि वेरिएबल जो डिफरेंस दोनों के बीच में जो हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसका अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो ये क्या होगा कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट चाहे राइट डायरेक्शन में हो चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में हो, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो, तो हमारा जो वोल्टेज है वो क्या होगा, लीनियर होगा, दोनों साइड में हमें लीनियर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, द अमाउंट ऑफ चेंज इन वोल्टेज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कोर एंड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन। यानी कि जो भी वोल्टेज चेंज होगा नेगेटिव या पॉजिटिव वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, वो जो कोर का जो मूवमेंट है, जो हमारा कोर मूवमेंट कर रहा था जो हमने पीछे देखा था अभी, ये जो हमारा कोर मूवमेंट कर रहा है इसके प्रोपोर्शनेट होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और वो किसको इंडिकेट करेगा, लीनियर मोशन को इंडिकेट करेगा। बाय नोटिंग द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किस तरीके से है उससे हम उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एलवीडीटी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ कोर डिस्प्लेसमेंट। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है एलवीडीटी के लीनियर फंक्शन, लीनियर कोर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है किस तरीके से हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं एलवीडीटी के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉर्डन ट्यूब है, इसे हम बोलते हैं सी टाइप बॉर्डन ट्यूब। इसमें हम प्रेशर देते हैं तो ये बॉर्डन ट्यूब क्या होती है हमारी, ये ऊपर की तरफ खुलना स्टार्ट, जैसे ही ऊपर की तरफ खुलती है तो ये पुली के थ्रू क्या होता है, ये एलवीडीटी का कोर है, ये अपर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जैसे ही अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो चेंज होगा, उसके चेंज होने से हमारी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है प्रेशर का जो हमारा मेजरमेंट है वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम यहाँ पे एलवीडीटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेंसर होगा। ठीक है,
जो हमारा वॉरल ट्यूब है ये हमारी प्राइमरी सेंसर है, और ये जो हमारा एलवीडीटी है ये क्या हमारा ट्रांसडक्शन एलिमेंट है, ये हमारा ट्रांसडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका वो जो सबसे पहला डायग्राम हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसडक्शन एलिमेंट मिलकर ट्रांसड्यूसर, तो जो हमने एग्जाम्पल बताया आपको उसका ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जो हमने देखा था कि किस तरीके से सेंसिंग एलिमेंट और किस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन एलिमेंट काम करता है उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। इसके बाद आएगा हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होता है बेसिकली आपको पता ही है, दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, ठीक है, और वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकली वो कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, और क्या होता है, इन दोनों के प्लेट्स के में चार्ज का स्टोरेज होता है। ठीक है, यही काम होता है कैपेसिटर का। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो हम इस इक्वेशन से देखते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है इसका। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, वो एप्सिलॉन पे। सबसे पहले एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी कॉन्स्टेंट, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी कि इसके बीच में प्लेट के बीच में क्या चीज है, मीडियम क्या है, एयर है, फ्लूड है, या क्या क्या मीडियम है, कोई ठोस पदार्थ है, क्या चीज है, उसका जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा वो क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। ठीक है, उसके बाद ए, ए क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट का जो एरिया होता है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी है, लेकिन जो छोटी प्लेट जो पूरी ओवरलैप कर जाएगी उसके ऊपर, वो उसका ओवरलैपिंग एरिया होगा। ठीक है, वैसे तो इक्वल प्लेट्स होती है। उसके बाद डी होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तीन तरीके से कैपेसिटेंस में चेंज करके हम ट्रांसड्यूसर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है, हम क्या करें, या तो हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को चेंज कर दें। ठीक है, हम मीडियम को चेंज कर सकते हैं, मीडियम को चेंज करके हम कैपेसिटेंस में चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम किसको कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों के डिस्टेंस को चेंज करके भी हम कैपेसिटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं किस तरीके से हम इसको चेंज करें, इसके जो कैपेसिटेंस है हम किस तरीके से उसे हम चेंज करें। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। ठीक है, ये क्या होता है, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, दिस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंप्राइजेस ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, ये दो पैरेलल प्लेट का बना होता है, सेपरेटेड बाय मटेरियल सच एज एयर, यानी कि किसी भी मटेरियल से, ये है दो पैरेलल प्लेट आपकी एक और दो, ये और ये जो अंदर दो प्लेट आपको दिख रही है, ये बीच में सेपरेटेड है किसी भी डिस्टेंस चीज से, ये सेपरेटेड हो सकती है। आपको मैं सिंपली समझा देता हूं क्या होता है, जब हम यहां से प्रेशर, एक रेफरेंस प्रेशर और एक प्रोसेस प्रेशर, रेफरेंस प्रेशर मतलब कि जैसे जो प्रेशर हमें पता है कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना है, और ये प्रोसेस प्रेशर यानी कि ये अननोन प्रेशर है, एक साइड से हम नोन क्वांटिटी डाल रहे हैं, एक साइड से अननोन क्वांटिटी डाल रहे हैं। तो क्या होगा, इनका जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स ये हमारा चेंज होगा, ये जो चेंज होगा इसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, उस कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे इस तरीके से, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पे, ये हमारा नॉन कैपेसिटेंस होगा और ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस होगा, जिसको हम वेरी करते हुए हम क्या करेंगे, जब दोनों पॉइंट हमारे कैलिब्रेट होके आ जाएंगे यहाँ पे आउटपुट के बीच में, तो क्या होगा, हमें जो भी हमारा प्रेशर मिल रहा है उसके इक्विवेलेंट हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, दोनों प्लेट्स हैं, एक साइड से हमने नॉन प्रेशर दिया है, एक साइड से हमने अननोन प्रेशर दिया है। प्रेशर पड़ने से क्या होगा, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स हमारी आगे या पीछे होंगी, जिससे डिस्टेंस में चेंज होगा, कैपेसिटर की प्लेट का डिस्टेंस डी जो होगा वो चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा उससे। ठीक है, कैपेसिटेंस हमारा आउटपुट होगा, हमारा आउटपुट जो है वो वेरी करेगा। हमने दो कैपेसिटर यूज किए हैं जो कि इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को कंपनसेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर यूज किया है और एक ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हमने इसे सप्लाई दी। ठीक है, तो ये होगा हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। उसके बाद कैपेसिटर माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन बेसिकली हम साउंड वेव्स के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो यहां से अगर हम साउंड वेव्स देंगे तो ये जो कैपेसिटर इसकी प्लेट है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है, इसका जो एक प्लेट है एक तो फिक्स है, ठीक है, बैक प्लेट जो है वो फिक्स प्लेट है, और ये वाली जो है इसे हमने डायफ्राम की तरह यूज किया। डायफ्राम क्या होता है, मोशन वाला, जो हम ये मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, तो जैसे इस पे वेव पड़ेंगे तो ये मूवमेंट करेगा। डायफ्राम में क्या होता है, बहुत हल्का मूवमेंट करेगा, चलता है तो ये मूवमेंट करेगा, चलता है तो ये मूवमेंट करेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो इसके बीच का जो एरिया होगा, डिस्टेंस होगा, सॉरी, जो डिस्टेंस वो चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। उस कैपेसिटेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट सिग्नल देख के हम उसे मेजर कर लेंगे। इसको सप्लाई हमने कहां पे दी है, सप्लाई हमने यहां पे बैटरी के थ्रू दी है। तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर माइक्रोफोन है। हमने जो यहां पे माइक्रोफोन इस्तेमाल किया है वो कंडेंसर माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद डायलेक्ट्रिक गेज, डायलेक्ट्रिक गेज क्या होता है, हम इसका डायलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करके हम आउटपुट में हम इसको
हम इसका आउटपुट जो है वो लेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर का डायलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज करके, आप देखिए कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन, दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमारा डायलेक्ट्रिक मटेरियल है। डायलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज होने से क्या होता है, चार्ज का स्टोरेज चेंज होता है, क्यू इज इक्वल टू सी। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी हमारी इक्वेशन है, तो उसमें क्या होगा, जब भी हम क्यू को चेंज करेंगे, चार्ज को चेंज करेंगे, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज तो हमारी कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायलेक्ट्रिक गेज से हम कोई भी फ्लूड का, कोई भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को हम यहाँ पे डाल, इसके अंदर इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को हम वेरी कर सकते हैं। तो हम जो भी यहाँ पे मटेरियल के थ्रू, जो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे मेजर। नेक्स्ट है हमारा पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर के ऊपर वर्क करता है, जो कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके अंदर। वो क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि ये एक ऐसा सेंसर होता है कि जिसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके आउटपुट टर्मिनल्स पे एक वोल्टेज हमें मिलने लगती है। ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है बेसिकली, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, जो कि अपने आप ही अपनी वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं, उनको एक्सटर्नल वोल्टेज देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, इसकी दो इलेक्ट्रोड आउटपुट की होती है, आउटपुट इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हम इस पे एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्ट्रेन, टेम्परेचर और फोर्स भी हम इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अब इसका इस्तेमाल करके हमने सबसे पहले देखा क्रिस्टल माइक्रोफोन। क्रिस्टल माइक्रोफोन में आप देखिए ये डायफ्राम टाइप क्रिस्टल माइक्रोफोन है, ये इसकी प्रोटेक्टिव स्क्रीन है, ये डायफ्राम है, ये रबड़ कुशन यहाँ पे लगाया हुआ है हमने उसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाई हुई है फॉइल के फॉर्म में, ये ठीक है, ये इंसुलेशन है यहाँ पे, ये फॉइल इलेक्ट्रोड बिटवीन क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के बीच में जो ये दो क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बीच में हमने यहाँ पे फॉइल इलेक्ट्रोड लगाई हुई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे ही इसके ऊपर हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे माइक्रोफोन में क्या होता है, सिग्नल यहाँ पे एक साउंड वेव आएगी, तो साउंड वेव की जो यहाँ पे फोर्स होगी वो जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, इसकी जो ये लीड्स हैं दोनों, इसके अक्रॉस जो आउटपुट होगा वो चेंज, हमें चेंज होगा आउटपुट पे, हमें क्या मिलने लगेगा, वोल्टेज मिलने लगेगी। तो ये जो वोल्टेज हमें वो हम यहाँ पे इस वाले सर्किट के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं। तो क्रिस्टल माइक्रोफोन में बेसिकली साउंड वेव के थ्रू हम इसके डायफ्राम को मोशन, प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स से क्या होता है बेसिकली जो इसका आउटपुट है वोल्टेज हमें इसमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है हमारा क्रिस्टल माइक्रोफोन। उसके बाद क्रिस्टल ऑसिलेटर आपने देखा होगा, हर जगह इसकी जरूरत होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर की, ठीक है, एक क्वाड क्रिस्टल होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर, क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली हम इसके दोनों टर्मिनल पे जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वाइब्रेट करने से क्या होता है, ये हमें एक ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली। आप देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। थैंक यू।